नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं मुकुंद रवि मौजूद है। जो अकोला से लेकर लोणी तक किसानों का मार्च चल रहा था, उसी मार्च में और इस मार्च में समाज के अलग अलग तबके के लोग शामिल हुए हैं। उसमें इस मार्च की जो शुरुआत थी वो खेती किसानी से जुड़े बड़े पत्रकार पी साईनाथ जी ने अपने भाषण के द्वारा की थी, और वही इस मार्च में उन्होंने पैदल चले किसानों के साथ। अभी भी मार्च में ही है, इनसे इस मार्च के बारे में बात करेंगे, साथ ही कृषि संकट जो देश भर में चल रहा है अभी उसको लेकर इनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे। पी साईनाथ, आपका स्वागत है न्यूज़ क्लिक में। पहले तो आप इस मार्च में कल से पैदल किसानों के साथ चले, तो आपका अनुभव कैसा रहा है इस मार्च के दौरान किसान पैदल मार्च? देखो, इस किसान वर्ग का उसका स्पिरिट और रेजिलियंस, उनका डिटर्मिनेशन, वो आई एम ऑलवेज ओवरवेल्म्ड वो देख के। इस मार्च को आप कैसे देख पाए जब आपने इस पैदल चले और अगल बगल लोगों से बात किया, सुना? देखो, जब इन लोग ने, किसान सभा ने हमको इनवाइट किया इस प्रोग्राम का उद्घाटन करना, तो मैंने कहा अगर मैं उतना दूर आ रहा हूँ सिर्फ उद्घाटन करने में क्या मज़ा है, मैं भी पैदल पे चलता हूँ। तो पूरा कल तो 14-15-16 किलोमीटर हुआ, और इसमें लोग हैं जो 3-4 ऐसा मार्च में लगाए। 2018 नासिक वाला दिल, 2018 दिल्ली वाला, तो एंड अगेन किसान आंदोलन में गया, सिंगूटी शाहजहानपुर में गया। तो मुझको ये कहना है कि इनका अंडरस्टैंडिंग भी, इनका ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत एडवांस्ड है, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग से बहुत पहले इन लोग पहचान पाए कि इस देश का एक भयंकर खतरनाक कृषि संकट चल रहा है और आज भी चल रहा है। पेपर में, न्यूज़पेपर और चैनल में ये शब्द कृषि संकट कब आया? पहले हिंदू में आया 2004 में, लेकिन उससे पहले वो लोग किसान सभा बता रहे हैं कि भयंकर कृषि संकट चल रहा है, बहुत किसानों आत्महत्या कर चुका है। अभी 20 साल में 4 लाख करीब किसान आत्महत्या कर चुका है, जिनमें से 70,000 से ऊपर इस महाराष्ट्र राज्य से। इन लोग जो बैठा है सब उनका दोस्त, उनका पड़ोसन, इन दूसरे एक्सटेंडेड परिवार या कभी कभी खुद उनका परिवार से, दे हैव सफर्ड। एक स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं लोग। तो इमेजिन 85 साल का हमारा, आज एक स्टोरी किया पार्थ ने परी में, 85 साल का आदमी, 85 ईयर्स ओल्ड, कड़ाली, वो भी आया, वो भी पैदल पे आया, वो 16 किलोमीटर आ रहा है, तो मैं करने में क्या बड़ा है। वो एक नहीं, उसके तो बहुत सारे लोग इस मार्च में, बहुत सारे। मराठवाड़ा और विदर्भ में जो किसान क्षेत्र है उसमें जो खेती से जुड़े संकट हैं या जो सवाल है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पिछले 10 साल को ये कह रहा हूँ, जो कृषि संकट था वो आज सिर्फ कृषि संकट नहीं है, समाज की संकट बन गई, हमारी सभ्यता की संकट बन गई। हम सब डेंजर में है। देखिए, पत्रकार लोग, देखिए कोविड में 725 से ज़्यादा पत्रकार मर गए, अंडर पेड, जो स्ट्रिंगर हैं 4,000 रुपया मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा हो गई। ये मैं कह रहा हूँ कि अभी ये संकट पैन इंडिया है और 5-6 स्टेट में कॉन्सेंट्रेट हुआ। विदर्भ मराठवाड़ा में हमेशा, वो महाराष्ट्र में सेकंड क्लास ट्रीटमेंट मिलती है उसको,
और हिस्टोरिकली ये नहीं है कि विदर्भ का खेती उतना खराब था, नहीं है। मैं अभी इनसे बात कर रहा था कि 1973 में अगर आप कपास का किसान हो, 1973 में एक क्विंटल कपास बेच के 15 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। आज एक क्विंटल बेच के 1.25 ग्राम खरीद सकते हैं, वो विदर्भ का प्राइस प्रकार, लेकिन पूरा महाराष्ट्र में ऐसा हो गया। तो और ये लोग इतना लड़ाई किया और बिट्रेयल भी हुआ सरकार ने, चाहे यूपीए सरकार या एनडीए सरकार, स्वामीनाथन रिपोर्ट को ख़त्म कर दिया। पूरा देश में हर किसान, हर शेतकरी का एक मांगे था, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, MSP COP2+50% वो लागू करो। यूपीए ने किल्ड दैट रिपोर्ट, एनडीए भी वही किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन लगाया जिसने हमको इनवाइट किया। मैंने कहा देखो ये होगा सेंटेंसिंग ऑफ डेथ बाय कमिटी, जब आप एक रिपोर्ट को मारना चाहिए कमिटी बनाओ। हाँ, तो वो बनाया, मैंने मना कर लिया। अभी हम कह रहे हैं, हम कुछ लोग, मित्र लोग, बुद्धिजीवी लोग, कि गवर्नमेंट सरकार कमीशन छोड़ो, ये कोर्ट का कमीशन छोड़ो, हम चाहिए एक किसान कमीशन जैसा स्वामीनाथन कमीशन का टाइप, लेकिन शेतकरी लोग कंट्रोल करेंगे इसको। 10-15 दिन में अनाउंसमेंट आने वाला है दिल्ली में किसान कमीशन। अच्छा, अभी समय भी कम है, इधर शुरुआत हो रहा है बाकी कार्यक्रमों का, तो आखिरी में ये जो पिछले कुछ सालों में किसान जो खेत, जिसके अपनी अपनी ज़मीन पर जो खेती करता है वो, और जो दूसरों के खेत में काम कर रहा है खेत मजदूर, और जो खाता औद्योगिक मजदूरों की जो एकता बनी है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब आज का मजदूर कल ही किसान रहा तो एक कनेक्शन रहेगा। और आप सेंसस की फिगर्स में देख सकते हैं कितने लोग पूरा किसानियत छोड़ के शहर में पहुंच गया। 2011 का सेंसस में मैक्सिमम माइग्रेशन हिंदुस्तान की इतिहास में, स्वतंत्रता के बाद मैक्सिमम माइग्रेशन 2011 सेंसस, पोस्ट पार्टीशन सेंसस में भी ऐसा नंबर्स नहीं दिखाया, और ये सब कोविड से पहले। जब कोविड आया और बहुत लाखों करोड़ों लोग वापस गए गांव में, मीडिया सब पूछा क्यों जा रहे हैं, गलत सवाल। सही सवाल यह है कि वो यहाँ क्यों आया पहले, और उसका जवाब है कृषि संकट। लेकिन इसमें अंतर विरोध तो बहुत रहा है ना, खेत मजदूरों के सवाल में और किसानी में, तो अंतर विरोध तो है, उसके बावजूद जो एकता बनी है। देखो, कॉन्ट्रडिक्शन तो होगा, आएगा, लेकिन इसी के लिए किसान और खेत मजदूर का एकता बढ़ाना चाहिए। वो 77th राउंड में मोदी जी ने वादा किया 5 साल में खेती से इनकम डबल होगा, खेती से इनकम कम हो गया थोड़ा, लेकिन वेज लेबर से थोड़ा बढ़ गया। इसका मतलब है बहुत सारा किसान वेज लेबर कर रहा है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। अगर मैं वेज लेबर हूँ, मेरा काम कम होगा,
तो एक एंग्जाइटी होगा। तो इसलिए मेरा पर्सनल इम्प्रेशन कि खेत मजदूर वो जो है वो भूमिहीन किसान मैं कहता हूँ, ही इज़ अ लैंडलेस फार्मर एंड वी हैव नॉट सेटल्ड द इशू ऑफ लैंड टू दोज हु वर्क ऑन इट। मैं सिर्फ टिलर नहीं कहता हूँ, लैंड टू दोज हु वर्क ऑन इट, महिला किसान, दलित किसान, आदिवासी किसान, टेनेंट किसान, नेशन फॉर फार्मर्स और किसान कमीशन में ये अंडरस्टैंडिंग है किसान कौन है, ये सब किसान। वही इस आंदोलन की बड़ी मांग जमीन का सवाल ही है, वन अधिकार अधिनियम जो कि बहुत लंबे समय से सरकार मानती है कानून बन गया, उसके बावजूद नहीं मिल रहा है, वो एक सवाल है जिसका इसलिए कि जो भी सरप्लस लैंड उनके हाथ में है वो कॉरपोरेट्स को देते हैं, वो कॉरपोरेट जगत को देते हैं, भूमिहीन किसान को नहीं देते। जब अडानी अंबानी कुछ बड़ा प्रोडक्ट करेंगे, जितना भी एकड़ जंगल को काट देंगे कुछ नहीं होगा, जो जंगल में रह के हजार साल खेती किया उनका एफआरए में पट्टा नहीं मिल रहा, ये अन्याय है। ये अभी आपने जो कि समय भी इधर बहुत कम था और इधर जितने समय बात हो पाई, एक बात इस पर जिन्होंने कहा जो बड़ी बात थी, ये किसानों से जो संकट है कृषि संकट, वो सिर्फ किसानों का संकट नहीं बचा, अब ये समाज का संकट बनता जा रहा है, इससे निकलने की जरूरत है। इसी को लेकर इस तरह के आंदोलन होते रहे, ये एक और आंदोलन था, इस तरह के बाकी आंदोलन की जो रिपोर्ट है और बाकी खबरें न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेके आता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।